मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। गुड न्यूज मिनिस्ट्रीज आपके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है यीशु में आशा। अगर आपके जीवन में कोई आशा नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और इसे स्वीकार करें कि सिर्फ यीशु में ही आशा है। यीशु आशाहीन के लिए आशा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को एक बड़े उम्मीद के साथ देखें। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। Dear brothers and sisters, I greet you all in the mighty name of the Lord Jesus Christ. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का अभिवादन करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। We are in Lent days. I know many Christians are mourning and fasting and praying. मैं जानता हूं उपवास के दिनों में हम हैं और कई ऐसे मसीही लोग जो बहुत ही दुख या शोक के साथ उपवास और प्रार्थना में हैं। This Friday, many people believe that Jesus Christ died on the cross of Calvary. कई लोग विश्वास करते हैं इस प्रकार कि इस शुक्रवार को जो मसीह क्रूस पर मारा गया। Why Jesus Christ died on the cross of Calvary? क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था? Why Jesus Christ died on the cross of Calvary is more important than having a kind of a religious a festival or ritual. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर मारा गया और उसके स्थान में अगर देखा जाए जिस प्रकार धर्म के लोग इस प्रकार मानते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, उसमें बहुत ही अंतर को हम प्राप्त कर सकते हैं। 2000 years ago, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, came to this world and lived for 33 and of years. 2000 साल पहले राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस जगत में आकर 33.5 साल इस पृथ्वी में रहे थे। The word of the Lord says, God so loved the world, that's why he came into this world. परमेश्वर का वचन कहता है उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया इसलिए वो जगत में आया। Mainly Jesus Christ came into this world to die on the cross of Calvary. यीशु मसीह इस जगत में आया उसका सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस प्रकार जगत में मारा जाए। He died on the cross. और वो क्रूस पर मरा। Jesus Christ chose the cross for a greater purpose. यीशु मसीह ने क्रूस को चुना एक बड़े मकसद के लिए। He chose the cross and he went through the cross and he died on the cross of Calvary. यीशु मसीह ने उस क्रूस को चुना और हम जानते हैं जिस प्रकार कालवरी क्रूस में वो इस प्रकार अपने जान को दिया। That's why in many places you can see crosses as a symbol of great things. और हम देखते हैं कि कई ऐसे जगहों में क्रूस एक प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। For a child of God, cross is important. एक परमेश्वर के बच्चे के लिए क्रूस बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because Jesus Christ has chosen the cross. क्योंकि यीशु मसीह ने चुना उस क्रूस को। One man of God said, "Without cross, there is no crown." एक महान व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, क्रूस के बिना एक मुकुट नहीं है। Jesus Christ, that's why he had chosen the cross. इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस को चुना। Because cross is the symbol of God's divine love. हम देखते हैं कि क्रूस जो परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। 2000 years ago, Roman soldiers they arrested Jesus Christ and they crucified him on the cross. हम देखते हैं 2000 साल पहले रोमी सेना जिस प्रकार गिरफ्तार करती है यीशु मसीह को और इस प्रकार क्रूस पर लटकाया गया। But the word of the Lord says Jesus Christ demonstrated his divine love through the cross. अगर हम जानते हैं देखते हैं कि इस प्रकार यीशु मसीह ने अपने उस महान प्रेम को प्रकट किया उस क्रूस के द्वारा। Yet we were sinners, he went and died on the cross of Calvary. हम पापी ही थे तब भी उस प्रकार जाकर उस क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। And he made the cross as a symbol of divine love. और हम देखते हैं क्रूस को ईश्वरीय प्रेम का एक प्रतीक बनाया। His love is unconditional. उसका प्रेम में कोई भी व्यवस्था नहीं है। The Bible says, yet we were sinners, he came and died on the cross of Calvary for us. परमेश्वर का वचन कहता है हम पापी थे फिर भी इस जगत में आकर हम पापियों के लिए मारा गया। And the cross reveals the unconditional love of God. अ क्रूस इस प्रकार प्रकट करता है उस अनंत प्रेम को। The cross reveals the eternal love of the Lord Jesus Christ.
क्रूस प्रकट करता है यीशु मसीह के अनंत प्रेम को। इन दिस वर्ल्ड वी सी टेम्पररी लव, इस जगत में हम देखते हैं कि ऐसे प्रेम को जिसकी एक सीमा होती है। पीपल लव वन अनदर फॉर सीजन, फॉर इयर्स, फॉर पर्टिकुलर टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ रीतियों के लिए हम देखते हैं कुछ लोग प्रेम करते हैं। बट गॉड्स लव इज इटर्नल लव, मगर परमेश्वर का प्रेम अनंत प्रेम है। मोस्ट ऑफ द लव गोज अप टू द ग्रेव, बट गॉड्स लव गोज इवन बियॉन्ड द ग्रेव। हम देखते हैं अधिकतर प्रेम जो उस कब्र तक रहती है, मगर परमेश्वर का प्रेम कब्र से भी परे हैं। एंड गॉड्स लव इज इमेजरेबल लव, और परमेश्वर का प्रेम हम देखते हैं जिसमें कोई नाप नहीं होती। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द लव ऑफ द लॉर्ड, हम प्रभु के प्रेम को समझ नहीं सकते। नो वन कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम के गहराई और चौड़ाई को कोई समझ नहीं सकता। इट्स सो वाइड यू कैन नॉट रन अराउंड इट, इतना चौड़ा है कि उसके चारों ओर हम दौड़ नहीं सकते। एंड हिज लव इज सो वंडरफुल, उसका प्रेम बहुत ही अद्भुत है। सो इन द सीजन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द डिवाइन लव ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मैं चाहता हूं इस समय उस ईश्वरीय प्रेम को आप समझने पाए। व्हेनेवर यू लुक एट द क्रॉस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट गॉड लव्स यू, जब कभी आप क्रूस को देखते हैं आप समझने पाए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He died on the cross of Calvary for you. वो आपके लिए उस कालवरी क्रूस पर मारा गया। His love is unconditional. उसका प्रेम में कोई व्यवस्था नहीं। His love is eternal. उसका प्रेम अनंत है। And his love is immeasurable. उसके प्रेम को कोई नाप नहीं सकता। I want you to look at the cross and grasp the love of the Lord Jesus Christ. मैं चाहता हूं कि आप उस क्रूस को देखें और उस यीशु मसीह के प्रेम को आप जानने पाएं। Been dealing with cross. हम देख रहे थे उस क्रूस के बारे में। In this Lent days, let us meditate the love of Jesus and the cross. इन दिनों जिस प्रकार उपवास का दिन है, हम होने पाए कि हम उस परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए। We know that cross reveals the divine love of God. हम जानते हैं क्रूस प्रकट करता है उस ईश्वरीय प्रेम को। In the same way, we need to know that cross is the symbol of our faith. उसी प्रकार हम जानने पाए क्रूस हमारे विश्वास का प्रतीक है। 2000 years ago, Jesus Christ, he told his disciples, if anyone want to follow me, let him take his cross and follow me. 2000 साल पहले हम जानते हैं यीशु मसीह अपने चेले से इस प्रकार कहा, अगर मेरा अनुकरण चाहते हैं तो उस क्रूस को लेकर मेरे पीछे चले। Not only Jesus went to the cross, he told his disciples to take the cross and to follow him. ना केवल यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा, मगर अपने चेलों से कहा कि उस क्रूस को उठाकर मेरा अनुकरण करें। Because cross is the symbol of self-denial. क्योंकि क्रूस हमें प्रतीक या दिखाता है कि किस प्रकार
आत्मनिषेध हैं हम। Jesus said, if anybody wants to follow me, let him deny himself and take the cross. यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, वो अपने आप को त्यागी या आत्मनिषेध करें और उसके बाद मेरा अनुकरण करें। If you don't deny yourself, you cannot choose the cross. अगर आप अपने आप को निषेध नहीं करते, आप क्रूस को चुन नहीं सकते। Denying ourselves, self-denial, dying for ourselves is very, very important. अपने आप को इनकार करना या आत्मनिषेध करना, ये बहुत ही जरूरी है मसीहत में। What is the meaning of self-denial? आत्मनिषेध का अर्थ क्या है? Surrendering our lives and our plans to the will of God. हम अपने आप को समर्पित करते हैं, हमारी योजना, हमारी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में। Committing your body, soul, spirit unto the feet of the Lord. अपने शरीर, आत्मा, देह को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना। So cross is the symbol of self-denial. क्रूस इस प्रकार प्रकट करता है कि अपने आप को आत्मनिषेध करें। Taking cross means disciplining yourself. क्रूस को उठाने का मतलब है अपने आप को उस शिष्यपन में ले आना। Jesus Christ, he chose 12 disciples and he disciplined them. और यीशु मसीह ने 12 चेलों को लेकर उनको अनुशासित किया। Thousands of people literally followed Jesus Christ. हजारों लोग हम देखते हैं जिस प्रकार यीशु का अनुकरण किए। But still he called 12 disciples and he spent his time with them and discipled them. मगर हम देखते हैं यीशु मसीह 12 चेलों को चुनता है और उन्हें अनुशासित करता है। Every day he taught them by words, he taught them by his character. हर दिन वो परमेश्वर उसके वचन से सिखाता रहा और उसके स्वभाव से उन्हें सिखाता रहा। Disciplining ourselves means following the footsteps of Jesus. अपने आप को उसमें अनुशासित करने का मतलब है यीशु के चरणों में चलें। Training ourselves, developing ourselves to walk like Jesus on this earth. इस पृथ्वी में यीशु के समान चलना या अपने आप को उस अभ्यास में ले आना जैसे यीशु चला। Disciples, they were following in their own ways, but Jesus called them and told them to follow him. चेले अपने अपने रीतियों में चल रहे थे, मगर यीशु जब बुलाया, हम देखते हैं उसका अनुकरण करने लगे। Taking cross means following the Lord Jesus Christ. क्रूस को उठाने का मतलब है हम यीशु मसीह का अनुकरण करना। And you need to know that taking cross means becoming like Jesus. और एक बात समझने पाए, क्रूस को उठाने का मतलब है आप मसीह के समान बन रहे हैं। It's a symbol of transformation. और वो हमें प्रतीक दिखाता है एक परिवर्तन। Once you were in darkness, but now you are coming to light. एक समय आप अंधकार में थे, मगर अभी आप ज्योति में हैं। Once you were living in ignorance, now you are coming to the knowledge of God. एक बार आप अज्ञान थे, मगर आप अभी मसीह की में ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। Before accepting Jesus, you do not know the purpose of your life. Now you know the purpose of your life and you know where you're going. यीशु को ग्रहण करने से पहले आप में कोई मकसद नहीं थी, मगर अब आप जानते हैं कहां आप जा रहे हैं। And in this wonderful season, my dear brothers and sisters, I humbly request you to take the cross and follow him. इस माहौल में मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह का क्रूस उठाएं और उसका अनुकरण करें। Because cross is the symbol of our faith. क्योंकि क्रूस हमारे विश्वास का प्रतीक है। And may the Lord help you to take the cross and to follow him. होने पाए कि परमेश्वर आपका सहायता करे, उस क्रूस को उठाए और प्रभु का अनुकरण करने पाए। Dear brothers and sisters, now we are dealing about the cross and we are trying to understand what cross means. मेरे प्रियो, हम देख रहे थे क्रूस के बारे में और क्रूस हमें क्या बताती है उसको हम समझ रहे थे। Cross is the symbol of God's love. क्रूस परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। Cross is the symbol of our faith.
क्रूस हमारे विश्वास का प्रतीक है. एंड क्रॉस इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री. उसी के साथ साथ क्रूस परमेश्वर के विजय का प्रतीक है. 2000 years ago when Jesus Christ went to the cross, everybody thought that Jesus Christ had been defeated. 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया तो सभी लोगों ने विचार किया कि वो यीशु पराजित हो गया. When Roman soldiers arrested Jesus Christ, all the disciples ran away because they were scared. They thought that Jesus Christ became victim now. और हम देखते हैं 2000 साल पहले रोमी सेना जिस प्रकार यीशु मसीह को गिरफ्तार किया तो उसके चेले उससे भागकर दूर हो गए क्योंकि वो डर गए थे और इस प्रकार सोचने लगे कि यीशु मसीह जिस प्रकार बंदी बन गया. When Jesus Christ went to the cross, he did not go as victim, he went as a victor. हम देखते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर गया एक दोषी के तौर पर नहीं मगर एक विजयी के तौर पर गया. Because through death he conquered the death. क्योंकि हम देखते हैं उस क्रूस के द्वारा उस मृत्यु के ऊपर विजय हुआ. The Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है सभी ने पाप किए और परमेश्वर की उस अनुग्रह से गिर चुके हैं. We all were sinners. हम सभी पापी थे. We all supposed to die. हम सभी मरने पे थे. We all supposed to be judged. We all supposed to go to the cross and die for our sins. हम सब उस प्रकार न्याय के लिए थे और उस क्रूस पर जाकर हमारे पापों के लिए मारा जाना था. After committing sin, when people were trying to come out of sin and when they were trying for salvation, Jesus Christ came and he died on the cross of Calvary and brought salvation as free for everyone. हम देखते हैं मनुष्य जाति पाप करने के बाद उस पाप में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उसी समय यीशु मसीह जगत में आता है उस क्रूस पर मारा गया और जिस प्रकार हम देखते हैं उद्धार के द्वारा वो हमें उसमें से बाहर निकालता है. And Jesus Christ, he went to the cross and there he died and he nailed sin. और हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और हर एक पाप को जिस प्रकार खीलों से ठोका गया. And he nailed the sin and got victory over sin. उस पापों को खील से ठोका गया और उस पर वो जयवंत हुआ. The word of the Lord says the wages of sin is death. परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है. Before Jesus Christ, death was considered as a terror to everyone. यीशु मसीह से पहले हम देखते हैं जिस प्रकार मृत्यु एक भय के समान था सभी के लिए. But Jesus Christ, he went to the cross and he died on the cross of Calvary and he conquered the death. मगर यीशु जिस प्रकार कालवरी क्रूस पर गया हम देखते हैं उस मृत्यु के ऊपर वो जयवंत हुआ. Then Jesus said, if anybody who believes in me will have eternal life. उसके बाद इस प्रकार कहता है जो कोई उस प्रकार मुझ पर विश्वास करता है उन सभी को अनंत जीवन है. He said, I am the resurrection and life. उसने कहा मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ. If anybody who believes in me will live, even though he's dead. वो इस प्रकार कहा अगर कोई उस मृत्यु की अवस्था में है अगर मुझ पर विश्वास करता है फिर भी वो जीवित है. By going to the cross, Jesus conquered the death. उस क्रूस में जाने से यीशु हम देखते हैं कि जिस प्रकार मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ. Satan came and deceived Adam and Eve and made them to commit sin. शैतान आया और आदम और हव्वा को जिस प्रकार फंसाता है और उसमें वो हो चुके थे. But Jesus Christ on the cross of Calvary, he defeated Satan. मगर यीशु मसीह उस कालवरी क्रूस पर शैतान को पराजित किया. He defeated Satan and got victory over Satan. हम देखते हैं वो शैतान को पराजित करके उस पर वो विजय हुआ यीशु मसीह. That's why we need to understand that cross is the symbol of divine victory. इसीलिए हम समझने पाए क्रूस परमेश्वर के विजय का प्रतीक है. Jesus Christ did not die on the cross of Calvary as victim. यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मारा गया एक दोषी के तौर पर नहीं. He died as a victor. वो यीशु मसीह वहां पर मरा एक विजय के तौर पर. He died as a conqueror. एक जयवंत के तौर पर यीशु मसीह क्रूस पर मरा. He got victory on the cross of Calvary. उसको विजय हुआ या विजय मिला उस कालवरी क्रूस पर. And in this wonderful season, I urge you to take the cross.
इस माहौल में मैं चाहता हूं कि आप उस अच्छे उस क्रूस को उठाएं। I want you to follow the cross. मैं चाहता हूं कि आप क्रूस का अनुकरण करें। Because cross is the symbol of God's victory. क्योंकि जो क्रूस परमेश्वर के विजय का प्रतीक है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus. पिता, हम यीशु मसीह के नाम में। We come before your presence, O God. आपके उपस्थिति में हम आते हैं प्रभु। We commit your children into your mighty hands, O God. हम समर्पित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी हाथों में इन बच्चों को। You are the miracle working God. तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। You are the miracle working God. तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। Lord, 2000 years ago, you chose the cross, O God. प्रभु, 2000 साल पहले तूने क्रूस को चुना। And you died on the cross of Calvary. और तू कालवरी क्रूस पर मारा गया। And help each and every one of us to choose the cross and to follow you, Lord. हमें तू सहायता कर कि हम उस क्रूस के चुने और तेरा अनुकरण करने पाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And we give all the glory to you. हर एक महिमा तुझे ही देते हैं। In Jesus name I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीष दे आप सभी को।